कमलेश्वर भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव कमेटी की एक आवश्यक बैठक नगर निगम टाउन हॉल कार्यालय पर संपन्न की गई, जिसमें सर्वसम्मति से भगवान वाल्मीकि की कमेटी का गठन किया गया। बैठक में उपस्थित वाल्मीकि समाज के लोगों ने अपने अपने विचार रखे और बताया कि किस प्रकार से प्रकट उत्सव पर होने वाले कार्यक्रमों को भव्य और सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया जाए। वाल्मीकि समाज के लोगों ने प्रकट उत्सव के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा में वाल्मीकि समाज के लोगों से अपील की कि वे अपने घरों में साफ सफाई पूरी करवाकर दीपों और रंगीन लाइट से अपने घरों को सजाएं। इस अवसर पर भावदस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्ला बाबू द्रविड़, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी संघ से ओमीलाल वाल्मीकि, धर्मेंद्र मुल्तानी आदि लोगों ने अपने अपने विचार रखे। बैठक का संचालन प्रकट कमेटी के नव निर्वाचित महामंत्री रोहित मदान ने किया। इस अवसर पर नव निर्वाचित कमेटी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया और बधाई दी गई। मुरादाबाद में स्थित है, उनकी सौंदर्यकरण, पथ विकास, सफाई व्यवस्था एवं जो नगर निगम से प्रकट दिवस को लाभ मिलता है उसकी व्यवस्था। मेरा नाम रोहित मदान है। आज 19 तारीख को भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस की एक महत्वपूर्ण बैठक टाउन हॉल नगर निगम कार्यालय पर आहूत की गई थी, जिसमें पिछले 15 सितंबर को नव निर्वाचित अध्यक्ष जी का चुनाव हुआ था, जिन्हें आदरणीय मुरली सेशन जी को अध्यक्ष बनाया था और मुझे महामंत्री की जिम्मेदारी दी थी, आदरणीय पप्पे भाई को हमारे स्वागत अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। उसी करणी में आज हमने जो समाज के कार्य करने वाले लोग हैं उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है, जिससे भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस को सुंदर और भव्य बनाया जा सके। हमारे भाई वरुण मदान जी को मीडिया प्रभारी की और हमारे भाई अनिल एकलव्य जी को प्रचार मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। अन्य लोगों को भी जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि मैं इतना पढ़ के बोलूंगा तो काफी लोगों के नाम है जो मेरे साथ में है, मैं उन लोगों का नाम बता रहा हूँ। मैं समाज के एवं राम को मानने वाले सभी लोगों से आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि रामायण के रचयिता, माँ सीता के रक्षक, लक्कुश के शिक्षक भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस को धूमधाम से मनाएं और प्रभु राम को भगवान राम बनाने वाले भगवान महर्षि भगवान वाल्मीकि जी की प्रकट दिवस को प्रत्येक घर पर लाइटों से, सफाई पुताई से एवं अन्य चीजों से, जैसे हम दीपावली मनाते हैं ऐसी भव्य बनाने के हम लोग आगे से सब लोग से आग्रह करेंगे और सब लोग इसको ज्यादा से ज्यादा हर्षोल्लास से मनाएं। धन्यवाद आप सभी मीडिया चैनलों। मैं सभी अपने हमारे वरिष्ठ समाज सेवी, स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के अंतीय उत्पादेश अध्यक्ष नेताजी बैठे हैं और हमारे धर्मगुरु प्रधान जी, इनकी अध्यक्षता और इनके संरक्षक में ये शोभा यात्रा का आयोजन होगा। और मेरी सभी समाज से अपील है कि इस शोभा यात्रा को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और भव्य तरीके से मनाएं और शांतिपूर्वक अपने एक जैसे जश्न, जैसे त्योहार हम अपना होली दिवाली का मनाते हैं, जैसे हर वर्ष हर वर्ष की भांति मनाते हैं, उसी तरह से हमें इस बार भी भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा को मनाना है।